समाजवादी पार्टी चाहे लाख दावा करे कि उसके यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, क्या कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर आपको बता दें। समाजवादी पार्टी ने कल अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, लेकिन लिस्ट से पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का नाम ही गायब था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर गई। मौका देखकर सीएम योगी ने हमला बोल दिया। सीएम योगी ने ट्वीट किया, विडंबना देखिए, जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए अपने भाई के साथ घर घर टूटी चप्पल पहनकर प्रचार किया, आज प्रचारकों की लिस्ट से उनके ही बेटे ने नाम काट दिया। संभवतः अपनी कमाई राजनैतिक पूंजी के बारे में वे सोचते होंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मौका मिला तो चाचा शिवपाल ने भी तंज किया, कहा समाजवादी पार्टी शुरू से ही नेताजी की उपेक्षा कर रही है। लगातार उपेक्षा हुई है उनकी, अपमान भी हुआ है। चौतरफा आलोचना हुई तो समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की, जिसमें मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर रखा गया। दोनों लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पहली लिस्ट में मुलायम सिंह का नाम गायब था और दूसरी लिस्ट में नाम सबसे ऊपर है। अखिलेश यादव ने एक बार अपने पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, वही चाचा को भी बाहर का रास्ता दिखाया, और आज माननीय मुलायम सिंह जी को प्रचारकों की सूची से भी बाहर करके अखिलेश यादव ने यह सिद्ध किया है कि समाजवादी पार्टी में ही लोकतंत्र खतरे में है। समाजवादी पार्टी ने भले ही लिस्ट में बदलाव कर अपनी भूल सुधार ली हो, लेकिन चुनावी माहौल में इस फ्री हिट पर छक्का मारने से विरोधी नहीं चूके।